हेलो फैमिली, तो सिर्फ फिशिंग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि आप पिछली वीडियो में देखा था, हमने पार्ले और मेरी बिस्किट से यह बाइट बनाया था। अब हम इसी बाइट में एक और चीज़ मिलाएंगे और इस बाइट को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं गेहूं का आटा। अगर इसमें गेहूं का आटा मिला के भी इसे इस बाइट को बनाएंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइट बनेगा। तो चलो देखते हैं हम इसमें इसे कैसे बनाना है। बस गूंदना है, बड़ा ही आसान बाइट है। और अब इसमें लेंगे थोड़ा सा जौरी का आटा। जौरी का आटा भी ज़रूरी है क्योंकि पानी में घुलने के लिए थोड़ा काम आएगा। जौरी का आटा में थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, बस थोड़ा सा लेंगे। और पानी बड़ी हिसाब से लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा। और अब हम इसे अच्छे से गूंदेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा था पिछली वीडियो में कि हमने सिर्फ बिस्किट से बाइट बनाया था, अब हम इसमें गेहूं का आटा और ज्वारी का आटा भी मिला दिया है। ये बाइट पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, बहुत ही अच्छा बाइट बनता है इससे। दोस्तों, कुछ नया 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 ट्राई करते रहिए, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अलग अलग बाइट से आप फिशिंग कीजिएगा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस आएगा दोस्तों आपको। इसमें हम और थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। दोस्तों, इसमें बिस्किट होने की वजह से ये बाइट बहुत ही स्ट्रांग हो गया है और बहुत ही बढ़िया बाइट बन चुका है। ये फिशिंग के लिए तो बहुत ही बढ़िया बाइट है ये। आप उस बिस्किट वाला बाइट भी ट्राई कीजिएगा, ये बाइट भी ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका एक्सपीरियंस कैसा आया। हमें तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था इसका। तिलापिया और ब्लैक रू तो हमने बहुत शिकार किए इस बाइट से, और बिस्किट वाले बाइट से भी। ज़्यादातर बिस्किट वाली बाइट से ही हमने ज़्यादातर बहुत से तिलापिया मछली का शिकार किया। दोस्तों देखिए, ये बाइट बन के पूरा रेडी है और ये बहुत ही स्ट्रांग बाइट बन चुका है और बहुत ही अच्छा बाइट है ये। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रिज़ल्ट 100% आएगा दोस्तों इसका। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।